दीपक गाड़ी रोक दो, हमें काम है, हम यहां उतरते हैं। नायरा, नायरा वो सिंघानिया सदन में हमने जो कहा वो इसलिए क्योंकि बहन और दादी सास दो अलग रिश्ते होते हैं। लक्ष्य तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए टिकट वाली बात को लेके वो तुमसे नाराज नहीं होता, लेकिन अगर हम अपना नाम लेते तो वो शायद बुरा मान जाता। मैं समझ गई थी दादी, आप हर लिहाज में बड़ी हैं, आपने जो भी किया होगा सोच समझ के किया होगा। ठीक है, बेटा और कितने दिन तू घर से दूर रहेगा, प्लीज वापस आ जा, बहुत याद आती है तेरे, तेरे बिना दिल नहीं लगता बेटा। बोलो कार्तिक। तुम अकेली आ रही हो ना कार में? दादी से बात हुई मेरी, वो तो अपनी फ्रेंड के पास। हाँ वो उन्हें कुछ काम आ गया था इसलिए उतर के। तुम मुझे बुला लेती ना, अकेले क्यों आ रही हो, मैं आ जाता ना। कार्तिक तुम मेरे से डर क्यों रहे हो, जो सुबह हुआ वो बार बार थोड़ी ना। चुप, कुछ मत बोलना आगे, पता नहीं कब कौन सी बात सच हो जाए। कार्तिक पर ऐसे डर डर के तो जिया नहीं जा सकता ना। पर केयरफुल तो रहा जा सकता है ना, पता नहीं आज सुबह जो हुआ वो एक्सीडेंट था या फिर। खैर कहाँ पहुंची हो? चौराहे पे हूँ, वहीं पहुंच रही हूँ। ओके। बड़ी मुश्किल से ध्यान बटा था, कार्तिक ने फिर वे याद दिला दिया। मुझे भी बार बार ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझ के मुझे। अभी रखता हूँ, वापस कॉल करूंगा। क्यों झूठ बोला आपने, क्या मजबूरी थी आपकी, क्यों क्यों दिया इतना प्यार वो भी अंधेरे में रख के। शायद यही बात है भैया, रोकिए तो मेरे प्लीज। हाँ मेरा काम हो गया, मैं तेरे गैरेज के बाहर ही हूँ। आर्यन क्या हुआ मैडम जी, आप ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? ये कार किसकी है? तुम्हारी। सॉरी मुझे नहीं पता था ऐसे स्टिकर वाली और गाड़ियां भी। आई एम वेरी सॉरी, अब देखो ना कितनी एक जैसी हैं दोनों गाड़ियां, कोई भी धोखा खा जाएगा। आई एम सॉरी। मैं भी वो सॉरी मैडम जी। हाँ वो कल के लिए जो केक मेरे से। आर्यन मैंने पहले भी कहा था उस बात को भूल जा, कोई बात नहीं। काश मैं बोल पाता कल जो हुआ। नायरा तुम अभी आ रही हो, मैं कब से हथेली पे रखो। ना रखो अपना डर करते, पूरी फैमिली उस एक्सीडेंट के असर से बाहर आ चुकी है सिवाय तुम्हारे। ऐसी छोटी छोटी बातों को मन से लगा के बैठोगे तो कैसे चलेगा कार्तिक? हमें बाहर जाना है, हॉलीडे पे जाना है, और डर का तो ना ही पासपोर्ट है और ना ही वीजा, तो साथ कैसे लेके जाएंगे? यही छोड़ना पड़ेगा ना उसे, लाओ दो। लो गया बाहर, नाउ चेंज, वेरी गुड। ये हुई ना बात, तो जो पार्टी बोते से शुरू हुई थी वो हनीमून तक जाएगी, बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं नहीं, हनीमून तो नॉर्मल कपल्स का होता है, कार्तिक और नायरा का हनीमून नहीं हो सकता, कुछ और होगा। क्या? कायरा मून। अब बस जाने से पहले ना ये टेंडर का भी ओके आ जाए,
तो मजा आ जाएगा। हो जाएगा बालक, ये नायरा मैया का आशीर्वाद है और नायरा मैया गंगा मैया की चेली है, उसका कहा झूठा नहीं हो सकता। अरे वाह क्या बात है नायरा मैया। नायरा मैया अब प्लीज और भी कुछ अच्छा अच्छा कहिए ना। तुम्हारे जीवन में मुश्किलें आएंगी पर उसके साथ साथ उनका हल भी आएगा। राह में रोड़े होंगे, स्पीड ब्रेकर्स होंगे, लेकिन गाड़ी पटरी से उतरेगी नहीं, हमेशा शान से आगे बढ़ती रहेगी। सुपर, थैंक यू सो मच नायरा मैया मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए। अब लाओ हमारी दक्षिणा। दक्षिणा में मैं चलूंगा। चलो अब जल्दी से होटल वगैरह की बुकिंग कर लेते हैं। अरे तुम एक बात तो बताना भूल ही गई। क्या? दादी ने भाई और कीर्ति दी के लिए भी हनीमून प्लान किया था। और दादी ने प्लान किया था? मेरा हनीमून इज अ वेरी वेरी पर्सनल थिंग, कोई और क्यों प्लान करेगा? जो दो लोगों को जाना होता है वही डिसाइड करेगी कहाँ जाना है कब जाना है। मैं अभी बात करके आता हूँ दादी से। नहीं नहीं उनसे कुछ मत कहना प्लीज, भाई ऑलरेडी मना कर चुके हैं। एक्चुअली उन्होंने भी एक ट्रिप प्लान की है दी के लिए और दी ने भी कहा है कि जो जगह उनके हस्बैंड ने प्लान की है वो वहीं जाना ज्यादा पसंद करेंगे। वेरी गुड, ठीक है तो कहाँ जाने का प्लान है दोनों का? स्पेन। ओह नाइस, अब हम अपने हनीमून पे फोकस करें। घाटे हम कोई बच्चे हैं क्या, फैमिली के साथ जा रहे हैं क्या, जो जो सारी चीजें प्लान करके चलेंगे? लाइफ में थोड़े एडवेंचर्स होना जरूरी है, थोड़ी अनसर्टेनिटी, थोड़ा सरप्राइज, तभी तो मजा आएगा ना। सोच क्या रहे हो, वो एक स्कूल ट्रिप पे जा रहे हैं क्या? कि सुबह 6-8 नाश्ता, 1-2 म्यूजियम, 6-8 बोटिंग, क्या करते तुम ऑन? ओके। ये हुई ना बात, अब शेर और मेंढक प्लान करके थोड़ी ना उछलते, शिकार देख के उछलते हैं। एग्जैक्टली, वैसे इस तरह की ट्रिप का एक नाम भी होगा। हाँ पता है, बात बात। यस, कंधे पे पिट्टू, हाथों में हाथ, एक दूसरे का साथ, हो गया कार्यक्रम, और क्या चाहिए? व्हाट एन आइडिया नायरा बेगम। कार्तिक, कार्तिक उठो, कार्तिक उठो ना, कार्तिक उठो, कार्तिक उठो। क्या हो गया? कार्तिक, सोते सोते ना मुझे बहुत ही खतरनाक आइडिया है। क्या आइडिया है? हम ना ग्रीस एक टेंट लेके जाएंगे, अपना टेंट कहीं भी सड़क के किनारे या जंगलों में लगा लेंगे, वहीं पे सो जाएंगे। अरे वाह, फिर सुबह उठेंगे ना तो शेर चीते सब साथ में सो रहे होंगे हमारे, कितना मजा आएगा। हम तो अपने भाई बंधु ही हैं। एक काम करो ना, सो जाओ, दिमाग ना तुम्हारा खराब हो गया एक्साइटेड होते होते। कार्तिक, टेंट नहीं लेके जाएंगे क्या? ना नहीं लेके जाएंगे टेंट, क्योंकि मैं अपने हनीमून का सत्यानाश नहीं करना चाहता। वो तो वैसे भी हो जाएगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। मैं तो तुम्हारी हर बात मानता ही हूँ ना, देखो इस बार के लिए ये बैकपैक तक ठीक है, लेकिन टेंट वो अगली बार कर लेंगे, नेक्स्ट हनीमून। नहीं करते, प्लीज मान जाओ ना, देखो मुझे सच्ची में लग रहा है जैसे कुछ अधूरा है अपने इस हनीमून में, प्लीज ना, मजा आएगा। ठीक है, अगर तुम्हें अधूरा लग रहा तो कुछ और कर लेंगे, पर अब सो जाओ ना प्लीज। जाओ सो जाओ, तुम्हें तो सोने की पड़ी है ना, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। गुड नाइट। नाइट क्या हो गया? यू तेरी पहनो, ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, जाना है ना तो बस कपड़े निकाल रही हो। ये लड़कियां भी ना, जाना है बैग पैकिंग के लिए लेकिन कपड़े चाहिए A1। अरे अभी कुछ दिन पहले परसों नर्सरी तुम्हारे बर्थडे के लिए कपड़ों का तूफान आया था इस घर में, अब फिर आएगा? नहीं आएगा, कोई तूफान नहीं आएगा, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, साथ में जाने के लिए मैं क्या करूं? ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।